मदर लैब स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग योर वेकेशन. टुडे वी विल स्टार्ट अवर इंग्लिश वर्क. ओपन पेज नंबर 25, रीड क्वेश्चन नंबर 10. ड्रॉ अ लाइन टू मैच द पिक्चर्स दैट आर द सेम. अब आपके पास देखें, एक एप्पल की पिक्चर्स हैं जो आपके पास डिफरेंट शेप में बनी हुई हैं. कहीं पे देखें फुल एप्पल है, कहीं पे हाफ एप्पल है, कहीं पे जैसे हम कट करते हैं तो वन पीस जैसे एप्पल का कट करते हैं वो बना हुआ है. देन कहीं पे बाइट लिया और कहीं पे बिल्कुल जब फिनिश्ड हो जाता है एप्पल तो उसकी शेप इस टाइप की होती है. अब मैं आपको शेप्स पहले बताऊंगी, देन हम इसको मैच करेंगे. अब ये जो शेप है हमारे पास, ये फुल एप्पल की होती है. जब आपके घर एप्पल्स आते हैं, आप देखते हैं ना, तो फुल जो शेप होती है वो एप्पल की ये वाली होती है. देन आप जब उसको कट करते हैं तो हाफ शेप एप्पल की ये वाली होती है. ओके, देन आप जब हाफ को भी कट करते हैं तो वो वन पीस में इस तरह उसकी शेप बनी होती है. देन आप जब पूरा एप्पल फिनिश कर लेते हैं तो उसकी शेप इस टाइप की होती है. तो आपने आप सेम एज इट इज शेप्स को मैच करना है. फर्स्ट देखें, उन्होंने डॉटेड लाइन के साथ आपको एक्सप्लेन करके बताया कि आपने किस तरह सेम पिक्चर को मैच करना है. अब इस डॉट लाइन के ऊपर, डॉटेड लाइन के ऊपर आपने ट्रेस करना है. सबसे पहले मैच करना है इसको. अगेन ये देखें, ये बाइट वाला एप्पल है तो इस पर भी बाइट हुआ है तो हमने इसको भी ज्वाइन कर देना है लाइक दिस. देन आप देखें कि आपके पास हाफ एप्पल है तो आपके पास ये हाफ एप्पल बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है. आपने हाफ एप्पल को ज्वाइन कर देना हाफ एप्पल के साथ. देन अगेन आपने एप्पल को, हाफ एप्पल को भी कट किया है, पीस किया है, तो उस पीस को, एप्पल के पीस को एप्पल के पीस के साथ आपने ज्वाइन कर देना है, मैच कर देना है. देन जब आपका एप्पल फिनिश्ड हो जाएगा तो उसकी शेप ये होगी. आपने इस फिनिश्ड एप्पल को फिनिश्ड एप्पल के साथ मैच कर देना है. इस तरह आपने शेप्स को सेम एज इट इज मैच करना है. अब हमने इन शेप्स में कलर करने हैं. अब ये देखिए, हमारे पास एप्पल है. एप्पल टू कलर्स में होता है, रेड भी होता है और येलो ग्रीन सा भी होता है. ओके, लेकिन जो जूसी एप्पल होता है वो ग्रीन वाला जो एप्पल है वो जूसी होता है और वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है. आपने सेम एज इट इज कलर्स करने हैं. ज्वाइनिंग में जो पिक्चर सेम है उनमें कलर भी सेम ही करना है ताकि वो प्रोमिनेंट हो. लाइक दिस. उसके बाद देखें, आपके पास एप्पल है जो वाइट हुआ है. आपने इसमें ये देखें रेड करना है, जहाँ से वाइट हुआ है वहाँ पे आपने येलो कर देना है लाइक दिस. यहाँ से प्रोमिनेंट होगा कि ये वाइट किया हुआ एप्पल है लाइक दिस. बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स करने हैं. आप देखिए, कलर्स करने से और मैच करने से आपका पेज बहुत ब्यूटीफुल नज़र आएगा और टीचर जब चेक करेंगे तो वो भी बहुत हैप्पी हो जाएंगे कि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा वर्क अटेम्प्ट किया है. ओके, देन आपके पास देखिए हाफ पीस है एप्पल का, इसमें हम येलो करेंगे लाइक दिस. ओके, देन आपके पास ये देखें, ये वन पीस है आपके पास एप्पल का और इसके जो नीचे वाली साइड है उसमें हम रेड कर देंगे लाइक दिस. ओके, और इसके भी बाहर वाले पोर्शन में हम रेड कर देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो कि ये कट हुआ है. बाहर से ये रेड है, अंदर से ये येलो है लाइक दिस. और इसकी जो डंडी बनी हुई है उसमें हम लाइट सा ग्रीन कर देते हैं. जहाँ फिनिश्ड हो रहा है एप्पल उसमें भी हम ग्रीन कर लेते हैं पहले. फिर आप देखें कि ये जहाँ से हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने रेड करना है. अपर और लोअर पोर्शन में और मिड के पोर्शन में हम येलो कलर करेंगे क्योंकि ये हमने खा लिया है, ये फिनिश्ड हो गया है. ओके, लाइक दिस. वेरी गुड. ओके, अब आपने सेम एज इट इज़ जो हैं इनको कलर भी करना है और मैच भी करना है. ओके, अल्लाह हाफिज़.